आदि टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिवानी गुप्ता। रुक कर लेते इस वक्त की खबर का जो कि हमें होशंगाबाद जिले से मिल रही है। बाबूलाल चौरसिया पर कांग्रेस में बड़ा घमासान। होशंगाबाद जिला कांग्रेस का सोनिया गांधी को पत्र, माणक अग्रवाल को निष्कासित करने की मांग की है। कमलनाथ के खिलाफ बयान दिया था, माणक पर पार्टी विरोधी काम के आरोप लगाए गए हैं। माणक को भाजपा का एजेंट भी बताया है। और ये वो पत्र है जो सोनिया गांधी को लिखा गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसिया जी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, बाबूलाल चौरसिया पर कांग्रेस में बड़ा घमासान। होशंगाबाद जिला कांग्रेस का सोनिया गांधी को पत्र लिखा गया है, माणक अग्रवाल को निष्कासित करने की मांग भी की गई है पत्र में। देखिए ऋतु, पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस में घमासान चल रहा है बाबूलाल चौरसिया को लेकर। बाबूलाल चौरसिया हिंदू महासभा से थे, उनको कांग्रेस में शामिल कर लिया है। जो नाथूराम गोडसे की विचारधारा को समर्थन करते थे पहले, और अब उनका कहना है कि वो कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में इसको लेकर दो गुट हो गए हैं। एक गुट कमलनाथ की खिलाफत कर रहा है क्योंकि उनका कहना है कि वो गोडसे के समर्थक को कांग्रेस में ले आए हैं, जबकि गांधीवादी पार्टी है, गांधी का समर्थन करती है, गांधी के विचारों पर चलती है, अहिंसा की बात करती है, जबकि गोडसे समर्थक हिंसा की बात करते हैं। तो इसको लेकर कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। अरुण यादव हैं जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात पर नाखुशी जाहिर की है और एक ट्वीट किया था उन्होंने कि बापू हम शर्मिंदा है। तो इसको लेकर कांग्रेस दो गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। और कल जिस तरह से हम देख रहे हैं, पूर्व मीडिया प्रभारी थे माणक अग्रवाल, ये भी बड़े नेता हैं और होशंगाबाद के रहने वाले हैं मूल रूप से, होशंगाबाद जिले के। तो बाकी जिला कांग्रेस ने इनके बयान को लेकर जो मीडिया में इन्होंने दिया था कि गांधीवादी पार्टी है और कमलनाथ जी ने जो किया है सही नहीं किया है, एक तरह से वो कमलनाथ के खिलाफ बोल रहे थे, जिसे लेकर यहाँ की जिला कांग्रेस ने सोनिया गांधी को, मुकुल वासनिक को पत्र लिखा है और खुद कमलनाथ को भी एक पत्र की कॉपी भेजी है, उनको भी पत्र लिखा है कि इन पर कार्रवाई की जाए, निष्कासित किया जाए, क्योंकि ये हमेशा प्रदेश अध्यक्षों के बारे में पार्टी लाइन से हटकर बात करते रहे हैं, उनकी विरोध जताते रहे। यहाँ ये कहना जरूर कि वो कह रहे हैं कि भाजपा के एजेंट, जबकि माणक अग्रवाल वो नेता है जो कांग्रेस से जुड़े रहे हो, चाहे किसी एक गुट से उनका कोई नाता नहीं रहे, सब गुटों में समाहित रहे, कभी किसी के साथ थे, कभी किसी के साथ थे, जो भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन पिछले कुछ समय से वो हाथिए पर चल रहे हैं, घर बिठा दिया गया है उनको, जबकि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ बने हैं। तो ये गुटबाजी का एक रूप दिख रहा है, एक खेमा कमलनाथ के समर्थन में और दूसरा खेमा कमलनाथ के विरोध में। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। एक खबर हम आपको बता रहे हैं होशंगाबाद से, जहां पर बाबूलाल चौरसिया पर कांग्रेस में घमासान बढ़ चुका है। होशंगाबाद जिला कांग्रेस का सोनिया गांधी को पत्र दिया गया है जिसमें माणक अग्रवाल को निष्कासित करने की मांग की गई है, इसे गुटबाजी कह सकते हैं।